राम राम जी, दोबारा जी राम राम। ये मेडल देख लो भाई, ये मेडल भावना डबास ने अपनी मेहनत से कमाए हैं, अपनी मेहनत से कमाए हैं। एक 17 साल की लड़की जो आज हमारी बहन हमारे बीच नहीं है, एक 17 साल की बच्ची जो कि हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन कर चुकी है और इंटरनेशनल लेवल पे करती, आज हमारे बीच नहीं है भाई। ये उनके पिताजी जोगिंदर डबास आज आपको पूरी स्टोरी बताएंगे। 2 साल से दर दर के भटके, ठोकरे खा रहे हैं हर जगह। भाई साहब, बच्ची आज हमारे बीच नहीं है, पूरी बात बताओ जी खुल के। राम राम भाई, जितने भाई देख रहे हैं राम राम सबको, और आगे से आगे वीडियो शेयर करें। राम राम, आपको सारी कहानी बताता हूँ। ये मेरी बिटिया भावना डब्बास, ये मेरी बिटिया 10 साल की थी जब जम्मू से पूरे स्कूल में गोल्ड मेडल मार था पूरी दिल्ली के लिए। ये मेरी बिटिया स्कूल का है, क्वीन वैली स्कूल का, पूरे ग्रुप का। भाइयों, 17 साल की मेरी बेटी थी, 17 साल की, उसकी सारी कहानी बताता हूँ। दिखाओ ये पढ़ो। एक डॉक्टर सुमन है, बिंदापुर थाने के सामने जनकपुरी हॉस्पिटल नर्सिंग होम। ये देखो सुबह ये दवाई लेके आया हूँ भाई, 26 तारीख को 2019। ये लेफ्ट हैंड शोल्डर में पेन था, उसकी मेडिसिन दी है सारी चीज, ना इसमें बीपी कोई दिक्कत ना कुछ हो रहा है, बच्चा नॉर्मल था। उसकी दवाई देने के बाद घर पे लेके आया हूँ, दवाई दे रहा हूँ। उसके बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई 4 बजे। दोबारा मैंने डॉक्टर को फोन किया कि सर आपके पास आ जाए, सर डॉक्टर साहब कह रहे ले आओ, कोई बात नहीं। वहाँ एक डॉक्टर निखिल झा नौ सिखिया जो उसके नर्सिंग होम में काम करता था, मैं लेके गया। मैंने बोला 5 बजे पहुंचे, मगर सर देखिए आप क्या बात है क्या नहीं है, तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, मैं डॉक्टर बाहर से बुला रहा हूँ और जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं बोला सर नहीं आपके बस की, तो आप छुट्टी दे दो मेरे को। उन्होंने 2 घंटे बाद उन्होंने फोन किया, केस बिगड़ गया है। हॉस्पिटल के मालिक को, जिसका नाम है डॉक्टर महेश सुमन, उनको फोन किया, वो आए हैं, उन्होंने देखा केस बिगड़ गया है। उन्होंने बिना मेरी मर्जी के उठा के माता चन्ना देवी ट्रांसफर कर दिया। माता चन्ना देवी जब गया तो बच्चे ने, तो डॉक्टर ने बताया वहां के ने कि केस बिगड़ चुका है, अब हमारे काबू से बाहर है। ये देखो, ये सहमति पत्र होता है डॉक्टर का, एकदम कोरा कागज है। डॉक्टर कहे अपनी मर्जी से लेके गए, नहीं ये कोरा कागज है, डॉक्टर सुमन का ही है, ठीक है। वहां जाने के 15-20 मिनट बाद बच्चे की और हालत बिगड़ गई, उन्होंने बता दिया था बच्चा बचेगा नहीं। 1 घंटे के अंदर बच्चे की डेथ हो गई। प्लीज हमें इंसाफ दिलाए। जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर केमिकल आया हुआ है, ये देखो 200 ml केमिकल, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर ने बनाई ना मैंने घर पे बनाई है, ये देखिए भाई। इंसाफ आप दिलाओगे, वीडियो को शेयर करना भाई, वीडियो को शेयर करना। उसके बाद में जो इंसाफ हुआ मेरे साथ, डिले हुआ जितना हुआ, ये देखिए, ये फोरेंसिक में तैयार हो गई थी रिपोर्ट 11/2/2020 को, थाने के अंदर 28/8/2020 को आई है। मेरे को कोर्ट के अंदर 29/1/2021 को दी गई है, जो कि 2 साल पूरे होते हैं। सब भाइयों से अनुरोध है इंसाफ दिलाएं, इंसाफ दिलाएं। जो भी देख रहा है प्लीज, 10 लाख आदमियों तक पहले वीडियो पहुंच चुकी है, ये हमारे भाई हैं, ये हमारी हेल्प कर रहे हैं, इनका हाथ जोड़ के दिल से शुक्रिया जितने मेरे भाई हैं। इस वीडियो को आगे से आगे फैलाएं और प्लीज मुझे इंसाफ दिलाएं। 2 साल हो गए हैं धक्के खाते खाते, सरकार प्लीज सुने, हमारी तरफ ध्यान दे। भाई भी जितने भी देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे बच्चे के साथ होया है, किसी और के बच्चे के साथ ना हो। हमने बच्चा देश के लिए पैदा करा था, बाद में हमारा नाम करता, पहले देश का करता। ये देखिए, ये उसकी कमाई हुई मेहनत है, ये उसकी कमाई हुई मेहनत है। नाम भावना डबास, 17 साल की बच्ची, 5 साल की थी जब से जूडो खेले करती, दीदी जूडो दादा देव पालम भाई साहब। 150-200 मेडल है, 150-200 मेडल। मेहनत लग जाती है कमाने, पूरी जिंदगी चली जाती है, एक मेडल नहीं कमा पाता। माँ बाप की अलग से मेहनत है, ये उनके नाना जी हैं, आगे ये बताएंगे जो भी है। अपना इंट्रोडक्शन दो कुछ साहब। मैं कृष्ण डागर कबड्डी कोच हूँ और अपने समय में नेशनल कबड्डी का बहुत ही अच्छा खिलाड़ी भी रह चुका हूँ। मैंने पता है खिलाड़ी कैसे बढ़ता है। हमने इस बच्ची को हमारे परिवार में, हम 10 बार मेरे परिवार में 10 मेरे बेटे लगते हैं, जैसे भाई के भी हो मेरे भी हो या लड़कियां हैं हमारी, 10 हैं,
दसों के लड़के हैं। हमारे परिवार में सिर्फ एक ही लड़की थी। उस लड़की को हम बड़े लाड़ चाव से पाड़ा पोसे, बड़ी मेहनत, मैंने पता है कि खिलाड़ी कैसे बढ़ता है। वो इतनी मेहनत के बाद एक जो खिलाड़ी बनाता है उसको ही पता लगता है खिलाड़ी कैसे बना। हमने बड़ी सूझबूझ मेहनत हर तरह से उसको संपूर्ण खिलाड़ी बनाने की कोशिश की और लगभग हम 75% कामयाबी हो गए थे। साथ साथ पढ़ाई लेके चलती थी और बहुत ही हंसमुख लड़की थी। ऐसे बच्चे के साथ एक डॉक्टर ने नॉर्मल सी गलती, उसके लिए नॉर्मल है, हमारे लिए तो पहाड़ों से भी बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। और हम दर्द, मेरे दामाद, मेरी लड़की, हमारा सारा परिवार जगह जगह इंसाफ के दुहार मांगता हटता है। कोई लोग बाग हमारे साथ है, प्रशासन पता नहीं हमारे लिए क्या कहाँ से हो गया। उन्होंने भी हमारी मदद करनी चाहिए। आगे देश में ऐसे ऐसे खिलाड़ी इसी उम्र में डॉक्टरों की गलती से, पेरेंट्स की गलती से, किसी भी गलती से जाते ही रहेंगे तो देश में खिलाड़ी नहीं रहेंगे। जय हिंद भाई। बस आप सबसे हाथ जोड़कर एक ही विनती है कि आज हमारी बहन, हमारी बच्ची भावना डबास के साथ जो हुआ, कल को आपकी किसी बहन बेटी के साथ ना हो भाई। और ये बच्ची इनकी नहीं है, ये बच्ची हमारी है, आप सबकी बच्ची है, पूरे देश की बेटी है और पूरे हम सबकी। ये एक जिम्मेदारी बनती है कि हम सबको भावना डबास के लिए आवाज उठानी चाहिए। भावना डबास के साथ जो हुआ है, कल को किसी और बहन बेटी के साथ ना हो। हमारी बहन बच्ची जो आज हमारे बीच नहीं है, हमारे देश का इतना जबरदस्त नाम करती। भाई साहब ये मेडल 100-150-200 मेडल है। ये लड़की भाई साहब ग्रीन वैली, क्वीन वैली स्कूल है, क्वीन वैली स्कूल द्वारका में, द्वारका सेक्टर 8 में, जाके पता करो, पता कर लो। मैडम निकिता शर्मा से कोई बता देगा। मेरे बच्चे पर गर्व था पूरे स्कूल को और मेरे को और मेरे घर वालों को और मेरे पड़ोस को कि कोई बच्चा है। ये देखो भाई, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देखे, ये इनका नंबर है, इस नंबर पे कॉल करें। और भाई अगर ये वीडियो किसी अच्छे आदमी तक पहुंच जाए, किसी अच्छी बहन बेटी तक जो कि किसी मीडिया में हो, किसी बड़े लेवल पे हो, चाहे वो पुलिस में हो या किसी में भी हो, मंत्री हो, कोई भी बढ़िया आदमी अगर इस वीडियो को देखे, हाथ जोड़कर हम आपसे अपनी बहन की बच्ची के लिए विनती करते भाई, हमारी बहन को, हमारी बच्ची को इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ। भाई एक बार मैं फिर से आपको इनका एड्रेस बता देता हूँ। एड्रेस बताओ जी अपना। राजनगर पालम गली नंबर 16, मकान नंबर RZG 454, गली नंबर 16, नियर झंडे वाला चौक, राजनगर पालम, नई दिल्ली द्वारका। प्लीज मेरे को भाई डोनेशन के लिए नहीं, सिर्फ मेरे साथ खड़े रहो, उस लिए भाई मैं अपने को नंबर दे रहा हूँ। प्लीज हाथ जोड़ के सब 73 नंबर को देख लो। अच्छा भाई ये नंबर इनकी कॉल करने के लिए है, हम कोई डोनेशन नहीं मांग रहे, हम इंसाफ के लिए आवाज उठाना चाह रहे हैं। बेटी के साथ खड़े हो। अगर इस वीडियो को कोई भी बढ़िया भाई बहन हमारा देखता है, भाई खामो का कॉल करके परेशान न करे, आदमी की हालत पहले ही बहुत खराब हो चुकी है। सिर्फ काम वाले व्यक्ति कॉल करें जो इस बच्ची को इंसाफ दिलाने में मदद कर सकते हैं। आप सबका आवाज उठाना, आप सबका सोशल मीडिया पर सही उपयोग करना। अगर आप वीडियो बनाएंगे, आपकी देखा देख और भी वीडियो बनाएंगे, हमारी बहन को, हमारी बच्ची को इंसाफ मिलेगा जल्द से जल्द। हैशटैग है जस्टिस फॉर भावना डबास। आप अपने खुद के घर बैठे बैठे वीडियो बनाओ हमारी बच्ची के लिए, हमारी बहन के लिए जो आज हमारे बीच नहीं है। आपकी एक वीडियो हमारी बच्ची को इंसाफ दिलाने में भाई बहुत बड़ा काम करेगी मेरे भाई। हाथ जोड़कर हम आपसे विनती कर रहे हैं मेरे भाई, हमारी बहन के लिए, हमारी बच्ची के लिए जो आज हमारे बीच नहीं है। मेरे भाई हमारे दुख को समझो, इस बेचारे आदमी के दुख को समझो। भाइयों एक बात और कह रहा हूँ, जो मेरे बेटा बेटी की उम्र के हैं, मेरी बिटिया और मेरे बेटे जो प्लेयर हैं, जो पढ़े लिखे समझदार हैं, प्लीज इस वीडियो को आगे शेयर करें और मेरी हेल्प करें। मेरे बेटा बेटी प्लीज हाथ जोड़ के विनती है सबसे, जो मेरे बच्चे की उम्र के हैं। भाई आप भी कहो, ये भाई भावना बहन के भाई हैं, छोटे भाई। हमारी बहन थी अच्छी, पढ़ी लिखी थी, खिलाड़ी थी जी। डॉक्टर ने गलत एक्शन दे दिया। भाई इन पे शब्द नहीं बन रहे भाई साहब, ये बोल नहीं पा रहे, बस रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ भाई साहब। 17 साल की हमारी बहन भावना डबास, जो कि एक नेशनल प्लेयर की अच्छी लेवल की चैंपियन थी, जिसने मेहनत करके इतने सारे मेडल कमाए, आज वो हमारे बीच नहीं है, सिर्फ छोटी सी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से। सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी, जो चीज हमारे साथ हुआ है, जो चीज गलत हमारे साथ हुई है, वो भाइयों आपके साथ ना हो। इसलिए सारे भाइयों से अनुरोध है मेरी कि भाई जितना हो उतना शेयर करें, ताकि आज जो हमारे साथ हुआ कल को आपके साथ ना हो, और डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले।
हैशटैग चलाएं। हैशटैग हैशटैग भावना डबास, ये इनका नंबर है भाई, इस नंबर पे कॉल करें। मैं एक बार फिर से अपने सारे भाई बहनों से हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ भाई, आज आप इस बच्चे के लिए आवाज उठाओ भाई। भगवान ना करे कल को किसी और की बहन बेटी, किसी और का बच्चा जो आगे चल के हो सकता है हमारे देश का ना जाने कितना नाम रोशन करे मेरे भाई, आज वो हमारे बीच नहीं है मेरे भाई। एक बार आप हाथ जोड़ के बोल दो भाई, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं दोबारा कह रहा हूँ, जो मेरे उम्र के, मेरी बेटी के बेटा और बेटी उम्र के है, प्लीज वो वीडियो को शेयर करें और मेरा साथ दें प्लीज प्लीज। हमारी बच्ची के लिए भाई सभी आवाज उठाओ भाई। जस्टिस फॉर भावना डबास, जस्टिस फॉर भावना डबास, जस्टिस फॉर भावना डबास।